क्या राजा को मंजूर है पलक इब्राहिम का रिश्ता? कहां वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है? टीवी एक्टर्स की डेटिंग की खबरें तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, वही काफी वक्त से पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान की डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ा है। हालांकि अब पलक ने कई बार ये कहा है कि वो दोनों अच्छे दोस्त है, वही अब पलक के पापा ने दोनों के रिलेशनशिप रूमर्स पर कमेंट किया है। टेली चक्कर को दिए गए इंटरव्यू में राजा चौधरी ने कहा, इस तरह की खबरों से कोई दिक्कत नहीं है और वो इस उम्र में पहुंच चुकी है। इस समय पर ना बच्चों को निर्णय लेने की ताकत आ जाती है। उन्हें जो भी अच्छा लगता है मैं उससे खुश हूँ, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ। पलक और इब्राहिम को एक कार में देखे जाने के बाद ऐसी अफवाह उड़ी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्होंने अपना चेहरा लोगों से क्यों छुपाया। इस पर पलक ने बताया था कि उनकी माँ पैपराजी की तस्वीरों के जरिए उन पर नजर रखती रहती है और उस रात उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि वो रास्ते में है, लेकिन वो बांद्रा में थी। पलक ने कहा था कि वो अपनी माँ की वजह से डर गई थी क्योंकि वो ये देख लेती। वेल, आपको पलक और इब्राहिम एक साथ कैसे लगते हैं? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।